अरे मम्मी पापा, कम से कम इतना तो बताइए, हम असल में जा कर रहे हैं। मेरी बच्ची, हम लोग गोल्ड मैन की फैमिली के पास जा रहे हैं। अरे हाँ मेरे बच्चे, हम लोग ना गोल्ड मैन की फैमिली के पास जा रहे हैं। गोल्ड मैन की फैमिली के पास? लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि वो हमें काम देंगे। गाइस, हम ना आर्केड मैन है, मतलब हमारी पूरी फैमिली। और यार, आजकल बच्चे हमारे साथ गेम ही नहीं खेलते। आजकल प्ले स्टेशन आ गया है, सब उसमें गेम खेलते हैं, इसलिए हमें कोई काम नहीं मिलता। इसलिए हम गोल्ड मैन की फैमिली के पास आए। देखिए इनके पास कितना ज्यादा सोना है, क्या पता हमें कोई अच्छा काम दे दें, या फिर इनके कोई अमीर बच्चे हमारे साथ गेम खेलें तो हमें थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे। अरे सर जी, आप तो बहुत अमीर हैं, प्लीज क्या हमें कोई यहाँ पर काम मिल सकता है? प्लीज प्लीज हमें कोई काम दे दीजिए, हम बहुत अच्छी तरह के आर्केड गेम खिलाएंगे आपके सारे लोगों को। अब क्या बकवास कर रहे हो, ये जमाना तो प्ले स्टेशन का है, कंसोल गेमिंग का है। तुम्हारे इस खटारा 25-30 साल पुराने आर्केड मशीन में कौन ही गेम खेलेगा? फिर भी अगर तुम्हें काम चाहिए तो चलो मेरे साथ आओ। अरे ठीक है सर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा अगर आप हमें काम देंगे तो। वाह क्या बात है यार, गोल्डमैन तो कितना अच्छा इंसान है। इन्होंने सही कहा, हम 25-30 साल पुराने गोल्ड मशीन है, नहीं गोल्ड मशीन भी नहीं, हम तो आर्केड मशीन है। अब बकवास बंद कर बच्चे, इधर आके देख, ये जितने भी लोग हैं इन सब ने यहाँ पर कसम खा लिया कि मेरे नाम अपनी प्रॉपर्टी नहीं करेंगे। तो सर जी क्या करना है? हाँ बताइए। इन सभी को तुम लोगों को मार देना है, बाद में मैं तुम्हारा नाम लगा दूंगा, बोल दूंगा पुलिस से कि तुमने पैसे के लालच में आकर इनको मार दिया, और पुलिस तुम्हें 1 साल के अंदर ही छोड़ देगी और मैं तुम्हें करोड़पति बना दूंगा। उसके बदले यहाँ पर मेरे को सारी प्रॉपर्टीज इनकी मिल जाएंगी। क्या आप हमसे इन मासूम लोगों को मारने की बातें कर रहे हैं? अरे हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। अरे ऐसा कैसे नहीं करोगे? अरे हाँ भैया, हम ऐसा नहीं करेंगे कुछ भी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरी बात को टालते हो। अभी बताता हूँ तुम लोगों को, तुमको अगर काम करना है तो यहाँ ऐसे ही काम मिलते हैं। तुम्हें क्या लगता है अमीर इतनी आसानी से बना जाता है? अरे बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत लोगों को नीचे दबाना पड़ता है, तब जाके अमीर बना जाता है। अगर मैं तुम लोगों की तरह अच्छा बना रहा हूँ तो मैं भी तुम्हारी तरह ओल्ड फैशन्ड हो जाऊंगा। कोई मेरा इस्तेमाल नहीं करेगा, कोई यहाँ पर गोल्ड को पसंद नहीं करेगा। बिल्कुल सही कहा, मारो मारो सबको मारो। अब जिंदगी भर गुलामी करो मेरे घर पे, कोई पैसा नहीं मिलेगा, कहीं बाहर नहीं जा पाओगे, यहाँ पर रोटी भी खाओगे तो सूखी पासी खाओगे समझे। अरे बाप रे, बहुत गलत है गाइस, कोई प्लीज वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब। इन्होंने हमें यहाँ पे जबरदस्ती पकड़ लिया है। गाइस 30 दिन हो चुके हैं और हम लगातार यहाँ पे काम किए जा रहे हैं, हमें बस रेस्ट करने के लिए भी 3 घंटे मिलते हैं, जिसमें सोना भी होता है, नहाना भी होता है, सब कुछ करना होता है, और बाकी पूरे टाइम ये लोग जबरदस्ती सफाई करवाते रहते हैं। बिल्कुल आसम के भी आए ना हो तीन से मदद मांगने, हम तो बर्बाद हो गए। कोई नहीं मेरी प्यारी फैमिली, तुम लोग घबराओ मत, अच्छे दिन जरूर आएंगे। फिलहाल हम जी लगा के काम करेंगे, क्या पता ऊपर वाला गोल्ड मैन की फैमिली के मन में हमारे लिए रहम डाल दे। ये बात तो है गाइस, आप लोग भी प्लीज वीडियो लाइक जरूर करना। वाह 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 वा, जिस चीज को मैं पूरी दुनिया के लिए घूम रहा था वो पता चला मेरे घर पे निकली। अरे ऐसा क्या है जो इतने खुश हो? अरे बताऊंगा बताऊंगा, अरे थोड़ा सा इंतजार करो मेरी गोल्ड मैन की फैमिली, पहले उन गुलाम लोगों को लेकर चलता हूँ। किसको लूं? ए बच्चा कहां इधर? ए बच्चे चल चल मेरे साथ चल। अरे बाप रे, आप क्यों मार क्यों रहे हैं मुझे? अब चुपचाप चल मेरे साथ, वरना और पीटूंगा। चल 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 चल, एक काम कर, साथ में एक ड्रिल मशीन भी ले ले, मुझे बहुत ज्यादा खतरनाक चीज मिली है। आजा 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 मेरे पीछे आजा। क्या है, ऐसा क्या मिला है गोल्डमैन को जो इतना ज्यादा खुश हो रहा है? खैर मैं तो पीछे जा ही रहा हूँ गोल्डमैन के, पता चल ही जाएगा। इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ, जल्दी यहाँ पर खुदाई का काम शुरू कर, जल्दी से। लेकिन मैं तो छोटा बच्चा हूँ, मुझसे ड्रिल मशीन चलानी नहीं आती। अब तुझे मरना है क्या? छोटा बच्चा है तो चल चुपचाप ड्रिल मशीन चला, तेरा मम्मी पापा बाकी काम करने में बिजी है समझा, और तू यहाँ पर बड़ों के काम नहीं सीखेगा तो काम कैसे करेगा? अगर तेरे को मरना नहीं है तो कर। ठीक है मैं करता हूँ। ओह माय गॉड, इतने से बच्ची से ड्रिल मशीन चला रहा है, इतना बड़ा तो मैं नहीं हूँ जितना बड़ी ये ड्रिल मशीन है। कोई नहीं, लेकिन अंकल जी ये तो बताइए कि इसके अंदर क्या है? अब अंकल नहीं बोल मेरे को, मालिक बोल। हाँ मालिक जी। ये देख ये सुपर गन है, सुपर गन है। तो गन तो आपके पास पहले से भी है। अब बेवकूफ, तेरे को नहीं पता इससे मैं करोड़पति बन जाऊंगा और यहाँ पर दुनिया का सबसे बढ़िया गोल्ड मैन का सूट खरीद पाऊंगा। मेरी फैमिली दुनिया की सबसे ताकतवर गोल्ड फैमिली होगी, फिर डायमंड स्पीकर की फैमिली भी कुछ नहीं होगी मेरे सामने। क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको इस गन के इस्तेमाल से कोई बड़ा सूट मिलेगा? आजा आजा तेरे को कुछ कमाल धमाल दिखाता हूँ। अबे तुझसे तो कुछ मिलेगा भी नहीं, चलो इसके मम्मी पापा को करता हूँ कुछ। एक मिनट, आप क्या करने जा रहे हैं मेरे मम्मी पापा के साथ? अरे पापड़ी, मैं तो थक गई, थोड़ा आराम कर लूं। ले जिंदगी भर आराम कर रही हो अब? ये हमारा नहीं। ओ नो, ये क्या? अरे 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 मेरी बीवी, मेरी वाइफ के साथ ये क्या हो गया? मेरी वाइफ कहाँ चली गई? वो जिंदगी भर के लिए ऊपर वाले के पास चली गई। ये क्या किया तूने? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मेरी मम्मी को वापस कर। चुप कर, अब तो मेरे को पैसा भी मिल गया तेरी मम्मी को ऊपर वाले के पास भेजने के लिए। क्या बकवास कर रहा है तू, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये तो शैतान है मेरे बच्चे, शैतान, ये मुझे भी नहीं छोड़ेगा। मेरे मरने के बाद मैं तुझसे एक वादा मांग रहा हूँ, तुझे अपनी फैमिली की मौत का बदला लेना पड़ेगा। तू दुनिया का सब
पापा नहीं पापा ओ नो मेरे पापा पूरी बात भी नहीं कह पाए। अब यार ये बच्चा बच गया लेकिन इससे मिलेगा ही क्या मेरे को, चलो चलो मजा आ गया। गाइस इसने मेरी फैमिली को पैसों में कन्वर्ट कर लिया, $100 million के लिए से मेरी पूरी फैमिली बर्बाद कर दी। मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, लेकिन इतने सारे पैसों से क्या सच में अपनी फैमिली को सबसे ताकतवर बना पाएगा, मुझे ये देखना है। मैंने पापा से वादा किया है कि मैं दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा आर्केड गॉडमैन बनूंगा और यहाँ पर अपनी फैमिली रिस्टोर करूंगा और इसकी फैमिली को बर्बाद करूंगा। अब मजा आने वाला है। अरे दिखा तो सही। अरे हाँ भैया दिखाओ तो सही, ऐसा कौन सा मजा आएगा। अरे रुको रुको दिखाता हूँ मेरी फैमिली दिखाता हूँ। देखो ये वाला स्पेशल स्मार्टफोन है, ये है गोल्डमैन फैमिली की एज सूट शॉप। ओ ऐसा, मैंने तुम लोगों को भी यहीं से इतना बड़ा बड़ा कर दिया था, इतना ताकतवर कर दिया। देखो अब ये $100 million का गोल्ड वाला सूट है, इसको मैंने खरीदा। ये देखो ओ माय गॉड, ये हमारे नए फैमिली मेंबर की एज 30 करोड़ है, 30 करोड़। अब तो डायमंड स्पीकर और गोल्ड टीवी मैन की फैमिली भी हमारे सामने कुछ नहीं है। ओ माय गॉड गाइस, मुझे किसी भी हालत में यहाँ पर अपनी फैमिली को अब इस गोल्ड मैन की फैमिली से ज्यादा ताकतवर बनाना होगा, तभी जाके मैं टक्कर ले पाऊंगा इनसे। गाइस मुझे वो गन और स्मार्टफोन चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। आप लोग प्लीज मेरी फैमिली के लिए आर्केड मैन ओपी जरूर लिखना कमेंट में, प्लीज अपने छोटे से प्यारे दोस्त की मदद जरूर करना दोस्तों। चलिए गाइस एक काम करते हैं, जल्दी से यहाँ पे गन ले लेते हैं और इस वाली फोन को भी। वाह फोन तो अनलॉक है, अच्छी बात है। चलिए चलिए गाइस अब जहाँ से निकलते हैं। अरे वो फोन कहाँ पर गया? और ढूंढो ढूंढो फोन चोरी हो गया, ढूंढो ढूंढो। भागो भागो उन लोगों को पता ना चल जाए। ओ माय गॉड ये क्या, ये तो गाइस कोई मुझे आयरन मैन के सूट लगते हैं, लगता है ये रिटायर हो चुके हैं इसलिए किसी ने इसको ऐसे ही फेंक दिया है यहाँ पर। गाइस क्यों ना इस गन का इस्तेमाल इन सूट पे करें, क्या पता हमें $100-200 मिल जाए। अभी करता हूँ ये है, वैसे गाइस सिर्फ $1 मिला है लेकिन कुछ तो मिला। चलो इसको भी तोड़ते हैं, क्या पता इससे मिल जाए ज्यादा पैसे। ये ले, अरे इससे भी $1 मिला, क्या मुझे $2 में कुछ मिलेगा। अरे गाइस ये वेबसाइट लॉक क्यों है, आप लोग प्लीज जल्दी लाइक करो वीडियो, बाकी मैं इसको अनलॉक करता हूँ। वाह ऊपर लिख रहा है आर्केड मैन फैमिली एज सूट शॉप और $2 का सूट भी है गाइस। यहाँ पर तो यार $250 million का भी सूट है, कितने सारे सूट है, पहले इसको बाय करते हैं। क्या बात है, मेरी एज तो यहाँ पर 85 years हो गई दोस्तों, अब मैं 1 साल का छोटा सा बच्चा नहीं रहा और गाइस मैं तो गोल्डन आर्केड मैन बन चुका हूँ, कितनी बढ़िया बात हो गई। तो चलो जल्दी जल्दी चलते हैं, एक मिनट। आला बाप ले, मेरे पापा ने मेरे को इतना बलिया आर्केड मशीन यहाँ पर बलिया तरीके से गिफ्ट किया था, अब मैं गेम कैसे खेलूंगा। अरे बिल्कुल सही कहा, कितने बढ़िया बढ़िया गेम टेज में। अरे आप कौन है? मैं आर्केड मैन हूँ, बताओ बच्चों तुम रो क्यों रहे हो? अले वो गंदे से लोगों ने हमारे आर्केड गेम छीन लिए, आर्केड मशीन ले। अरे हाँ प्लीज अंकल जी हमें हमारे आर्केड मशीन हमारे आर्केड गेम वापस दिलवाइए। उसके बॉडी आओ 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 $5 में गेम खेलो। देख अंकल जी ये हमारे मशीन से अपना बिजनेस चला रहे हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं दूंगा बच्चों। वाह गाइस आज के जमाने में भी लोग आर्केड गेम खेलते हैं, क्या बात है। गाइस आपने कभी आर्केड गेम खेले हैं या फिर नहीं, कमेंट में यस या फिर नो लिख के बताइए। बाकी मैं तब तक इसकी बड़ी इसकी खबर लगाता हूँ। अब उसके बॉडी ले, तू हमारी खबर लगाएगा? तेरी इतनी हिम्मत, इसके बॉडी ले, इसके बॉडी और पता लगा हमारी खबर। अरे बापरे कमर तोड़ दी। हाँ बॉडी। अरे गाइस इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, मेरे पास एक बढ़िया तरीका है, मैं आर्केड मैन हूँ, मैं मशीन्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। एक काम करते हैं क्यों ना इन सभी मशीन्स को हम ब्लास्ट करते हैं, ये बहुत ज्यादा पास खड़े हैं उन सभी इसकी बड़ी इनसे अपने मशीन के पास सुपर आर्केड ब्लास्ट। और इसकी बॉडी फाड़ दिया। अरे अंकल ये का आपने तो माली मशीन फाड़ दी, अब हम गेम कैसे खेलेंगे? ओह नो ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ओ माय गॉड बच्चे तो बेचारे निराश हो जाएंगे। गाइस एक मिनट, मैं तो एक आर्केड मैन हूँ, आई थिंक गाइस अगर मैं आर्केड मैन हूँ तो इस तरह की मशीन्स को स्पॉन कर सकता हूँ या फिर इनको रिपेयर कर सकता हूँ। वैसे मुझे रिपेयर करना तो नहीं आता, बट मैं यहाँ पर अपना फोकस करके इस तरह की 4 आर्केड नई मशीन बनते हुए बच्चों को देता हूँ। अच्छा अंकल जी आप ऐसा कर सकते हैं क्या? अरे बिल्कुल बच्चों, यहाँ पर देखिए गाइस सुपर आर्केड स्पॉनिंग मोड एक्टिवेशन। वाह आ गई। अला वाह वाह वाह, अरे वाह 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 भैया वाह, आपने तो कमाल कर दिया। अला वाह बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंकल जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बच्चों आर्केड मैन है, मैं यहाँ पर बहुत जल्दी अपने आप को आर्केड गॉड बनाऊंगा। ये क्या कर रहा है बेटा तू? अला अला अंकल जी मैंने आपको पैसे दे दिए। व्हाट ओ माय गॉड वो बच्चा कितना अमीर था यार। देखो गाइस वो बच्चा इतना अमीर था फिर भी घमंडी नहीं था, उसके बेचारे को आर्केड गेम खेलने थे इसलिए उसको अपनी मशीन चाहिए थी। खैर अब मैं जल्दी से यहाँ पर आर्केड मैन की फैमिली में से एक बढ़िया सा सूट शॉप में से खरीदता हूँ 30 मिलियन का हीरा। गाइस
क्या बात है, अभी खरीद के देखते हैं 30 मिलियन में ऐसा क्या ही है सूट में, क्या बात है, मेरा तो एक फैमिली मेंबर बन गया। अरे वाह भाई वाह, तू तो कमाल लग रहा है कमाल। गाइस क्या बात है, मेरा भाई और मैं दोनों ही गोल्डन आर्केड मैन है। और गाइस मैं तो कितना बड़ा हो गया हूँ यार, मेरी एज देख लीजिए आप, 2000 साल का हो गया हूँ मैं। भाई से काम करते हैं, जल्दी से न्यूज चेक करते हैं। अरे वाह ब्रेकिंग न्यूज, अभी अभी पता चला है यहाँ पर इविल टीवी स्कैरी मैन जितने भी सुपर हीरोज हैं जैसे पिज्जा मैन है, उन सबको इविल बना रहा है और शहर को तबाह करने की प्रोसेस में है। क्या? ओह नो, शहर के सुपर हीरोज अगर विलन बन गए या एनिमी बन गए तो इस शहर को कौन बचाएगा? अरे भाई हम बचाएंगे यार। इसलिए गाइस चलो जल्दी चलते हैं और उस इविल टीवी स्कैरी मैन को ढूंढते हैं। वो इविल टीवी स्कैरी मैन इस तरह की गुफाओं में रहता है, वो पक्का मुझे यहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, तो जल्दी चलते हैं। एक मिनट गाइस, सामने देखिए कुछ तो हो रहा है। अरे अरे मजा आ जाएगी मजा आ जाएगी, अरे ये पिज्जा मैन बहुत ही जल्दी यहाँ पर इविल बन जाएगा। गाइस एक मिनट, ये इविल टीवी स्कैरी मैन कुछ तो कर रहा है। अरे भाई मुझे तो लगता है ये पिज्जा मैन को यहाँ पर इविल बना रहा है। मेरे भाई ऐसे सामने ऐसे नहीं जाएंगे हम, वरना ही हमको भी इविल बना सकता है। हमें प्लान बनाकर इसको अपने आर्केड मशीन के अंदर लेना होगा, उसके बाद गेम खेल के हम इसकी बैंड बजाएंगे। बताइए मेरे मालिक मुझे क्या करना है। अरे बहुत बढ़िया पिज्जा मैन, जितने भी लोग शहर में पिज्जा खाते हैं, अरे पिज्जा तो सभी खाते हैं मालिक, बच्चे से लेके बड़े तक, तो जा सबको मार दे, सबसे अपना हिसाब ले रहा है, सबने तेरे को बहुत खाया मजे लिए, कोई तुझे थैंक यू नहीं बोलता, ऐसा मैं सबको मार दूंगा। ओ माय गॉड, पिज्जा मैन ऐसा नहीं है भाई। ओ भाई साहब, ये पिज्जा मैन तो सबकी बैंड बजा रहा है गंदी तरीके से, मैं सबको मार दूंगा, कोई यहाँ पर नहीं बचने वाला। अरे मेरे भाई हमें कुछ करना चाहिए, हमें पिज्जा मैन को रोकना चाहिए। अगर पिज्जा मैन को आई थिंक रोकना है तो इस पहले इविल टीवी स्कैरी मैन को हमें हराना पड़ेगा। ओए चुपचाप उसको ठीक कर। अब तुम लोग कौन होते हो मेरे को कुछ ऑर्डर देने वाले? अभी बताता हूँ गाइस, मैं इसको अभी सुपर टेलीक्रिसिस मोड से इसका माइंड कंट्रोल करता हूँ और अपने आर्केड गेम में ले जाके इसको खुद ही से पिटवाता हूँ। क्या बकवास कर रहा, तू ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब क्या हो गया, ये क्या हो रहा, मैं तो क्यों भाग रहा हूँ? अभी बताता हूँ, अभी मैं इसके हाथ में एक छड़ी दे देता हूँ, नहीं बॉम्ब सही रहेंगे, बॉम्ब लेके इसको इसके पास में बॉम्ब फटवाता हूँ, ब्लास्ट करवाता हूँ। अब मार दिया। ओए चुपचाप यहाँ पर हमारे पिज्जा मैन को ठीक कर समझा, तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, तुम दोनों भाइयों की मैं बैंड बजा दूंगा। ऐसे नहीं मानेगा ले, और अब मैं नहीं मानने वाला। अच्छा तो गाइस काम करते हैं, इसको मेज बैंक पे लेके चलते हैं, वहां से इसको नीचे गिरवाएंगे। अब छोड़ो मेरे को, ये क्या कर रहे हो? देखा गाइस आर्केड गेम का कमाल, बेशक हमारा गेम बहुत पुराना है बट मजेदार तो है। चल बेटा चुपचाप नीचे गिरता रहे तू। अब रुको, अभी यहाँ पर सुपर जायंट इविल टीवी स्कैरी मोड ऑन करता हूँ, फिर तुम्हारी बैंड बजाता हूँ। ओ माय गॉड, अभी कुछ ज्यादा बड़ा हो गया है, अब इसका माइंड मेरे आउट ऑफ कंट्रोल है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ बच्चू। चल अब तुझे अपनी ईविल स्कैरी दुनिया में भेजता हूँ, वहां पर तेरे को एक गॉड मिलेगा, उसको मेरा सलाम करियो और जा जाके मरियो। हाहा तेरे छोटे भाई को मैं यहाँ तुलपाऊंगा। नहीं मेरे भाई को कहीं मत भेजो। अरे बाप रे क्या पीटे जा रहा है, मैंने तो बैंड ही बजा दी। अब चल बेटा निकल यहाँ से। अरे भैया बचाओ। ओह माय गॉड, ये तो सच में कोई स्कैरी वर्ल्ड है। अरे बाप रे, कमर ही टूट गई मेरी। गाइस मैं तो सच में किस स्कैरी वर्ल्ड में आ गया। हेलो, मैं कहाँ गया हूँ? गाइस मुझे अपने भाई तक वापस लौटना पड़ेगा किसी भी हालत में। ए बच्चो, तू यहाँ क्या कर रहा है? ये किसकी आवाज है? उसने कहा था कि यहाँ पर मुझे कोई गॉड मिलने वाला है। ओह माय गॉड, कौन है, कोई गॉड है यहाँ पे? हेलो प्लीज मुझे अपने वर्ल्ड में वापस भेज दीजिए। गाइस मुझे बहुत डर लग रहा है यार, मेरे पास अगर पैसे होते तो मैं अभी जायंट आर्केड मैन बन जाता और अपनी फैमिली मेंबर को बढ़ाकर यहाँ से बाहर निकल जाता। ओह माय गॉड, देखिए सामने। ओह माय गॉड, ये तो कोई गोल्डन गॉड है। ए बच्चे मरने के लिए तैयार है? इस दुनिया में सिर्फ एक ही गोल्ड हो सकता है, वो भी गोल्डन गॉड। तू कौन है? मैं गोल्डन आर्केड मैन हूँ और प्लीज मैं आपकी दुनिया का नहीं हूँ, मुझे मेरे वर्ल्ड में वापस भेज दीजिए। ये तो और भी बुरी बात है, अब तो मुझे तुझे मारना ही होगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, ये कोई हिसाब थोड़ी हुआ। प्लीज 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 मुझे अपने वर्ल्ड में वापस भेज दीजिए। अरे बाप रे, गाइस कोई बचाओ, मेरे भाई मेरी मदद कर। गाइस अगर अब मुझे कोई बचा सकता है तो मेरा छोटा भाई है, वो ही मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकता है, अपने आर्केड मशीन को स्टार्ट करके मुझे इस दुनिया से बाहर निकाल सकता है, क्योंकि मेरे आर्केड गेम्स यहाँ पे काम नहीं करने वाले। एक मिनट, वो क्या है? मेरे भाई जल्दी से इस मशीन के पास आओ। एक मिनट छोटे, ये तू है क्या? हाँ बिल्कुल, आप जल्दी से सुपर स्पीड आर्केड रोटेशन बनाओ, उसके बाद ये मशीन आपको ऑटोमेटिकली हमारे वर्ल्ड में वापस ले आएगी। जल्दी करो, ये इविल टीवी स्कैरी मैन मेरे को पीट रहा है। अब तू अपने भाई को वापस नहीं ला सकता। आऊंगा आऊंगा भाई साहब। भाई साहब जल्दी कमेंट में आर्केड मैन ओपी लिखिए, प्लीज प्लीज जल्दी कीजिए, जिससे कि मैं इस मशीन से वापस अपने वर्ल्ड में जाऊं और अपने छोटे भाई को बचा पाऊं। भागो 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 भागो।
मैं आ गया, एक मिनट कहाँ पर हूँ मैं, एक मिनट मैं वर्ल्ड में वापस आ गया, लेट्स गो। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं इविल टीवी स्कैरी मैन के बच्चे, ले अबा ये 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 क्या हो रहा है, मुझे छोड़ो, अरे तुमको छोड़ूंगा नहीं भाई। वो क्या बात है, अरे वाह भाई वाह, आपने तो कमाल कर दिया। गाइस ये वाली टेक्निक मेरे भाई ने मुझे बताई थी, सुपर स्पीड आर्केड रोटेशन मोड। अरे भाई देखिए ये गन से मैं जल्दी से इसको पैसों में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये क्या, वाह क्या बात है मेरे छोटे भाई, तूने तो कमाल कर दिया। चलिए चलिए भैया, अब जल्दी से यहाँ पर इसका इस्तेमाल करके आप कोई बढ़िया सा यहाँ पर एक खतरनाक सूट खरीद लीजिए आर्केड मैन का। बहुत तो सही कही यार तूने। चलिए गाइस अब जल्दी से निकालते हैं स्मार्टफोन, और यहाँ पर एक सूट है जो $60 million का है। ऑलराइट मैं इसे खरीदने वाला हूँ। क्या बात है यार, ये मशीन थोड़ी सी स्लिम लग रही है और बेटर लग रही है। क्या बात है, मेरी एज 7 लाख ईयर्स हो गई और अब मैं यहाँ पर जायंट गोल्डन आर्केड मैन बन गया हूँ। हमारी पूरी फैमिली गाइस यहाँ पे गोल्ड की बनती जा रही है, मतलब हम यहाँ पर उस गोल्ड मैन से भी एक समय पर ज्यादा अमीर और ताकतवर हो जाएंगे। अरे अरे भाई देखिए देखिए कितना ज्यादा सोना है, इस सोने से तो हम यहाँ पर अपनी फैमिली का एक और नया मेंबर खरीद पाएंगे। नहीं मेरे छोटे भाई ऐसा मत करना, हो सकता है वो किसी तरह का ट्रैप हो। अरे हाँ भाई ऐसा मत करना। अरे नहीं मेरे भाइयों तुम चिंता मत करो, मुझे जाने दो, मैं अभी रुको वो गोल्ड लेकर आया, उसके बाद हम यहाँ पर अपना नया फैमिली मेंबर बनाएंगे। नहीं प्लीज यार ऐसा मत कर मेरे भाई, मेरी बात को मान। अरे भाई तू समझाना इसको। अरे हाँ भाई प्लीज ऐसा मत कर। अरे मैं जा रहा हूँ, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। ओह नो गाइस मुझे डर लग रहा है भाई, सच में वो ट्रैप ना हो। अरे देखो 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 मेरे भाइयों, कोई ट्रैप नहीं है, मैं तो राजू चला गया। चलो शुक्र है कोई ट्रैप नहीं है, चल तो भाई जल्दी से उस पैसे को अपने अकाउंट में ले ले। बट अजीब लग रहा है यार, इतना पैसा कौन छोड़ के गया। अरे अरे भैया बचाइए, ये क्या, ओ भाई साहब ये क्या हो गया। भाई मजा आ गया, क्या बात है, गोल्डमैन अबे ये मैं ही था जो यहाँ पर सोना बन के बैठा था। तुम लोग लालची हो लालची, तुम हमेशा इसी तरह से मारे जाओगे, जैसे तेरे मम्मी पापा को। ए मेरे मम्मी पापा के बारे में कुछ मत बोलना समझा, अबे क्या कर लेगा तू। देख मैंने तेरे भाई को मार दिया। मेरा छोटा भाई ये क्या हो गया, मैं तुझको छोड़ूंगा नहीं। सुपर आर्केड पंच अटैक, सुपर आर्केड किक अटैक, ये ले। अरे मार दिया, बड़े भाई मुझे बचा, अब अपने बड़े भाई को किसी को मिला, कोई तुझे यहाँ पर नहीं बचाने वाला, ये ले। गाइस मैंने इसकी बैंड बजा दी, अभी काम करते हैं, हम यहाँ पर इसी को पैसों में कन्वर्ट कर लेते हैं। अबे ये क्या हो रहा है, मेरा छोटा भाई को मारा। ये क्या, ये तो बड़ा वाला, कुछ ज्यादा ही बड़ा वाला गोल्ड मैन आ गया यार। अभी बताता हूँ तेरे को मैं आर्केड मैन, मेरे भाई ने तुझे छोड़ कर गलती की और तू अब मेरे खिलाफ चीजें कर रहा है, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। ओ नो 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 नो, मैं क्या करूँ क्या करूँ, मेरे हिसाब से गाइस यहाँ से भागने में भलाई होगी, क्योंकि मैं इतना, मैं तुझे भागने का दूंगा गोल्डन लेजर अटैक। मेरे कान भाई साहब क्या खतरनाक साउंड है इस लेजर का। मेरे भाई, हाँ मेरे भाई चल यहाँ से निकलते हैं, वरना ये सच में हमको मार देगा। बिल्कुल मेरा भाई यहाँ से निकलते हैं, वरना ये हमारी सच में बैंड बजा देगा। ओ माय गॉड, छोटा भाई तो तुम्हारा मर गया। ओ नो, तुझे शर्म नहीं आती, मेरा भाई अब इस दुनिया में नहीं है, फिर भी इसको मार रहा है। ये ले, मैं तेरे सारे भाइयों को मार दूंगा, सबको बर्बाद कर दूंगा, तू किसकी मदद नहीं कर पाएगा। मेरे भाई मैं चलने लायक नहीं बचा, तू चिंता मत कर, मैं तुझे लेके चलूंगा, भाग जहां भागना है। आर्केड मैन मैं तुझे ढूंढ के मारूंगा, मैं तेरे पास वापस आऊंगा, तुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है मुझे। गाइस ये क्या हो गया यार, मुझे तो अपने सबसे छोटे भाई को आखिरी बार अलविदा कहने का मौका भी नहीं मिला, ये सब गड़बड़ हो गई। बिल्कुल मेरे भाई, काश हम अपने भाई को बचा लेते, मुझे तो बहुत ज्यादा रोना आ रहा है, मेरी भी वही हालत है। गाइस आप लोग प्लीज कमेंट में मेरे छोटे भाई के लिए RIP आर्केड मैन जरूर लिख देना प्लीज, मेरे भाई की आत्मा को शांति जरूर मिलेगी। लेकिन गाइस मैं तब तक यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा टाइटन आर्केड मैन बनने के लिए बहुत ज्यादा पैसा। अरे ये क्या हो गया, बचा गए मैं और मेरा भाई, मैं तो मर गया। वो भाई साहब यहाँ पर किसी ने हमें धोखा दिया लगता है गाइस, यहाँ पर गोल्ड मैन की फैमिली यहाँ तक आ चुकी है। लेकिन यहाँ पर एक मिनट, ये मेरे सिर्फ भाई पर अटैक क्यों हुआ है, मेरे को कुछ नहीं हुआ। मेरे भाई मैं अभी मर जाऊंगा मुझे लगता है। नहीं मैं तुझे बचा लूंगा, मैं अभी रुक से हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। चलिए गाइस जल्दी चलते। अरे 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 मार दिया। ओए काफी मजा आ रहा है, काफी मजा आ रहा है। ये कौन है जो हम पे हमला कर रहा है, प्लीज सामने आओ। गाइस को समझ नहीं आ रहा ये हम पे कौन हमला कर रहा है, मुझे तो लगता है पक्का ये गोल्ड मैन ही है जो यहाँ पर इतनी बुरी तरह से हमारी हालत खराब कर रहा है। नहीं मुझे तो कभी मौका भी नहीं मिल पाएगा। एक मिनट ये क्या, मेरे भाई जल्दी से उठ जा, हम लोगों को यहाँ पर डायमंड स्पीकर मैन ने पकड़ लिया है, गोल्ड मैन ने नहीं। क्या डायमंड स्पीकर मैन, बट वो मैं क्यों पकड़ेगा, उसने सिर्फ हमें नहीं इस दुनिया के जितने भी ताकतवर और अमीर लोग हैं सबको पकड़ रखा है। कोई बचाए, और अब अच्छे मेरा तो बिजनेस ठप हो जाएगा, मुझे कोई बचाओ, मैं उसको करोड़ों रुपये दूंगा। ओ माय गॉड,
डायमंड स्पीकर मैन गाइस, इस बारे में गोल्डमैन जिक्र करता रहा करता था कि उसको डायमंड स्पीकर मैन की फैमिली एंड गोल्ड टी मैन की फैमिली से ज्यादा ताकतवर और अमीर बनना है। अब मैं बनूंगा सबसे अमीर और ताकतवर तुम सबको पैसों में कन्वर्ट करके। अब यार जितना पैसा चाहिए प्लीज हमसे ले लो, लेकिन हमें बचा लो। अब गाइस तुम लोग चिंता मत करो, मेरा भाई सबको बचा लेगा। और बच्चे हमें बचा लो वरना हम तो गए काम से। एक मिनट, ये क्या है? ये मेरे सुपर डायमंड बॉम्ब से बॉम्ब। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब अब हम पटने वाले हैं। पिछले 3 दिन में 312 ये हमको पार चुका है। अरे बाप रे। अरे तुम तो अभी भी पैसों में कन्वर्ट नहीं हो यार, मेरी मशीन ठीक से काम नहीं कर रही है। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? ओह माय गॉड गाइस, ये सब क्या हो रहा है? वैसे पैसों में कन्वर्ट करने वाली गन हमारे पास है, शायद ये इसी तरह की कोई नई टेक्निक डेवलप करना चाह रहा है। वैसे अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं इन सबको बचा पाता, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं है और इनमें से मैं किसी को पैसों में कन्वर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी तरह सब बेचारे लाचार मजबूर और अच्छे इंसान है। बिल्कुल सही कहा। ओए टोनी सर, आप प्लीज इसको पैसा दे दीजिए जितना भी है। एक मिनट बच्चे, इसका मतलब तेरा नाम क्या है? मेरा नाम है गोल्डन आर्किड मैन। हाँ बच्चे, अगर तू हम सबको बचाने का वादा करता है तो मेरे पास जितना ही पैसा है वो मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन वादा कर तू हमें बचा लेगा। पक्का मैं बचा लूंगा, प्लीज जितना ही पैसा हो सके इतना दे दीजिए। गाइस आप भी प्लीज कमेंट में यस लिखिए, जिससे कि आपका नाम क्या है। टोनी नाम है मेरा, टोनी स्टार्क। हाँ टोनी सर को यकीन हो जाए। चल भाई ये कितने चाहिए? 100 मिलियन के आसपास कर देता हूँ। 90 ही हो पाए भाई, ज्यादा नहीं हो पाए। कोई नहीं कोई नहीं, थैंक यू सो मच इतने पैसे करने के लिए भी। गाइस 90 मिलियन में है सूट, है एक सेकंड लास्ट सूट है। वाह मेरे भाई वाह, और जल्दी खरीद लो सूट को मेरे भाई। अभी खरीदता हूँ, अभी खरीदता हूँ। गाइस ये वाला सूट पक्का इस वाले सूट से सुपीरियर होना ही चाहिए। लेट्स गो। वाह मेरा एक और फैमिली मेंबर बढ़ गया। और गाइस देखिए अब भी मैं कितना बड़ा हो गया अपने रीसेंट वाले सूट से। अरे हाँ भाई हाँ, तूने तो कमाल कर दिया, हमारी फैमिली तो बड़ी होती जा रही है। गाइस चलिए अब यहाँ पर इस जाल को तोड़ते हैं और उस स्पीकर मैन की बैंड बजाते हैं जो कि डायमंड स्पीकर मैन है। सबसे पहले मैं यहाँ पे बर्न मोड ऑन कर लेता हूँ। अब मैं इसे टकराता हूँ। लेट्स गो। क्या बात है भाई, बर्न मोड से यहाँ पर कितनी जल्दी से जाल यहाँ पर पिघल के टूट गया। क्या बात है बच्चे, कमाल कर दिया तूने। और अभी ये ले डायमंड स्पीकर, मेरा नया अटैक सुपर आर्केड लेजर अटैक। अब ये क्या है? अब मेरे को बचाओ मम्मी, तेरे को यहाँ पर अमीर बनना था ना, बन अमीर। ऑल राइट गाइस, यहाँ पर ये जो डायमंड स्पीकर मैन था, मैंने इसकी अच्छी खासी बैंड बजा दी। एक मिनट भाई साहब, मेरे भाई कहाँ पर गए, मुझे यहाँ पर देखना पड़ेगा। एक मिनट गाइस, अभी हमारी फैमिली मेंबर टोटल 3 हो चुके हैं और दोस्तों अब समय आ गया है। या एक मिनट, ये क्या? ओ भाई साहब सामने। अरे भाई नहीं, ये तो यहाँ पर सीधा गोल्ड मैन की फैमिली आ गई। मारोगे मारोगे तुम लोग मारोगे। असल में आए तो थे हम इस डायमंड स्पीकर मैन की फैमिली को मारने, लेकिन अब तुम लोग मिल चुके हो। बिल्कुल सही कहा, मुझे लगता है आधा काम तुमने हमारा पूरा कर दिया। डायमंड स्पीकर मैन अब मर चुका है, समय आ गया है तुम्हारे मरने का। ऐसा कुछ नहीं है, हम नहीं मरने वाले। अच्छा मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ, मेरे पास ये स्पेशल गन है, ये लो सुपर गोल्ड बार अटैक। गोल्ड बार अटैक? ये भाई साहब गोल्ड की छोटे छोटे स्टूल से मेरे भाइयों को पीट रही है। ओ माय गॉड। अरे मेरे भाई अब हम क्या करें, हमें यहाँ पर सबसे पहले इसके अटैक से बचना पड़ेगा। इस गोल्ड वुमन को मैं छोड़ूंगा नहीं। ये पकड़ा इसको और ये ले। अरे नहीं मार दिया मेरे को। हमारी फैमिली के मेंबर को मारते हो? बिल्कुल सही कहा, हम मारेंगे तुमको, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। क्या बात है भाई। अरे भाई मेरी तो बैंड बज गई। एक काम करता हूँ, इनके फैमिली मेंबर को पैसों में कन्वर्ट कर लेता हूँ। बिल्कुल मेरे भाई तू ऐसा कर, मैं इनको डिस्ट्रैक्ट करता हूँ। सबसे पहले इसको करता हूँ। नहीं आ, मार दिया। ये लो, तुमने हमारी फैमिली के साथ भी यही किया था। वाह मेरा भाई तो काफी स्मार्ट है यार। और इसको भी करता हूँ। अब रुक जा, तेरे को करता हूँ। ये लो। अरे नहीं मेरे को पैसों में कन्वर्ट कर लिया। फाइनली गाइस मेरे भाई ने कमाल कर दिया, तुम लोग बचोगे ना। ये लो मेरे पूरे फैमिली मेंबर्स को बर्बाद कर दिया तुमने। अब गाइस बस खाली आखिरी टाइटन गोल्ड मैन बचा है जो मेरी फैमिली पर खतरा है, मेरी फैमिली को मार रहा है, और अपनी फैमिली को बचाने के लिए मैं उसका सर्वनाश कर दूंगा। अगर आप सभी मेरे साथ हैं तो जल्दी से कमेंट में यस लिखिए गाइस, ज्यादा से ज्यादा यस लिखिए। और राइट दोस्तों, अभी 250 मिलियन डॉलर का हम सूट खरीदते हैं और ये पैसा हम गोल्ड मैन का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमने खरीदा। वाह भाई साहब मेरी एज 40 करोड़ हो चुकी है और इस गोल्ड मैन की एज 30 करोड़ है, मतलब मैं इससे 10 करोड़ साल ज्यादा बड़ा हूं। मेरे पास नए सुपीरियर गेम्स आ चुके हैं। इवन अब मैं किसी बंदे को बहुत आसानी से अपने आर्केड गेम के अंदर ले सकता हूं, पहले बस मैं उसको कंट्रोल कर सकता था। क्या बकवास कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अच्छा अभी गाइस सुपर आर्केड गेम मोड एक्टिवेट करते हैं, उसके बाद देखना है कैसे गोल्ड मैन मेरे आर्केड गेम में फंस जाएगा। ये ले। अबा ये क्या, सुपर लाइटनिंग अटैक, सुपर एक्सप्लोजन अटैक। अबा ये क्या, मम्मी बचाओ मेरे को। भाई साहब अभी गाइस एक सुपर मैजिकल फायर अटैक करेंगे और इसको फिनिश करते हैं। ये हमारा फिनिशर अटैक। फाइनली गाइस हमने अपनी फैमिली को रिस्टोर कर लिया और गोल्ड मैन की फैमिली को बर्बाद कर दिया। अगर आपको इस तरह के वीडियो और देखना है तो स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं वो भी देख लीजिए, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच।